फिर पैदा ही क्यों किया। दिव्या और आकाश की शादी को करीबन 11 साल हो गए थे और उनका 9 साल का बेटा भी था। वैसे उन्हें तो बच्चा करना ही नहीं था, लेकिन समाज के प्रेशर की वजह से उन्होंने एक बच्चा कर ही लिया। अब उनकी भी सेम प्रॉब्लम थी, करियर, काम और बच्चे के बीच में बैलेंस बना पाना, जो वो नहीं बना पा रहे थे और इन सब के बीच में पिसते जा रहे थे। मम्मी ये देखो ना, आज मेरे स्कूल में ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे करवा दो ना। अरे बेटा, आज मेरे खुद के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज तुम जाकर पापा से कह दो, वो करवा देंगे। मम्मा आप करवा दो ना, नहीं तो टीचर डांटेगी मुझे, प्लीज। अरे तुम्हारी टीचर तो बस डांटेगी, मेरे बॉस तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बेटा जा, पापा से जाकर कह दो। ठीक है पापा। हाँ बेटा बोलो, क्या हुआ? पापा मुझे ये प्रोजेक्ट में मदद कर दीजिए ना, आज टीचर ने इसे बनाने को कहा था, मम्मा बहुत बिजी है, आप करवा दो प्लीज। अरे बेटा मुझे कहाँ ये सब आता है, और अभी थोड़ी देर में मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। फिर मेरा प्रोजेक्ट? आज टीचर को कह देना कि तुम बीमार थे इसलिए नहीं कर पाए, ओके? पर पापा मेरा प्रोजेक्ट हमेशा ही अधूरा रह जाता है, टीचर हमेशा मुझसे कहती है कि मेरा कोई भी प्रोजेक्ट ठीक से नहीं होता। अरे कोई बात नहीं बेटा, आज हम तुम्हारी ट्यूशन टीचर को कह देंगे कि कुछ एक्स्ट्रा पैसे ले ले, और फिर वो तुम्हें होमवर्क के साथ प्रोजेक्ट भी करवा देगी, बस। लेकिन पापा टीचर कहती है कि प्रोजेक्ट मम्मी पापा के साथ करना चाहिए। अरे बेटा दूसरे मम्मी पापा फ्री होते हैं, हम नहीं है। अब चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से बैग पैक करो और कह देना कि कल मैं बीमार था, ठीक है? आज मम्मी लेने आएंगी कि पापा? आज मैं तुम्हें लेने आऊंगी, बस। हो सकता है 10 मिनट लेट हो जाए, तुम वहाँ बैठे रहना, कहीं जाना मत। ठीक है मम्मा, वैसे भी सबके मम्मी पापा उन्हें जल्दी ले जाते हैं, मैं तो काफ़ी देर तक बैठा ही रहता हूँ। अब तो चौकीदार अंकल को भी पता लग गया है कि मेरे मम्मी पापा लेट ही आते हैं। चलो अच्छा, अब तुम कहीं जाना मत, मम्मी आ जाएगी लेने के लिए, ठीक है? ये लो तुम्हारा खाने का डब्बा। दिव्या और आकाश के घर में ये आम सी बात थी कि वो रोहित को वक्त नहीं दे पाते थे। रोहित का प्रोजेक्ट कभी भी फिनिश नहीं होता और वो काफ़ी देर तक स्कूल में या ट्यूशन में बैठा रहता कि मम्मी पापा अभी उसे लेने आएंगे। मम्मा आज सब बच्चे चले गए, लेकिन ट्यूशन टीचर मुझे जाने ही नहीं दे रही थी घर, ऐसा क्यों? अरे हाँ बेटा, मैंने ही उनको कहा है कि आज से तुम्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा बिठाया करे क्लास में, जब तक मैं घर आ जाऊँ तब तक। लेकिन मम्मा क्लास में सारे बच्चे चले जाते हैं, मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा मम्मा जब तक ऑफिस से आए तब तक आप वहाँ बैठ सकते हो ना, वहाँ आपको वो स्कूल का होमवर्क भी करवा देगी और प्रोजेक्ट भी करवा देगी, ठीक है? मम्मा पर मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता अकेले बैठना, मैं वहाँ नहीं बैठूंगा। रोहित आजकल आप बहुत जिद्दी हो गए हो, हाँ कहा ना मम्मी ने कि आपको बैठना होगा, यहाँ घर आकर क्या करोगे, बैठे रहोगे या खेलोगे? इससे अच्छा है कि आप वहाँ पढ़ाई कर लो। मैं आपके साथ खेलूंगा मम्मा, आपके साथ पढ़ाई भी करूंगा, प्लीज मैं नहीं जाऊंगा वहाँ। बस अब और जिद की है ना तो पापा से कहकर डांट पड़ जाएगी, समझे? रोहित की जिद शायद दिव्या और आकाश समझ नहीं पा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि रोहित गुस्सा कर रहा है, जिद कर रहा है, लेकिन असलियत में वो बस अपने मम्मी पापा के साथ वक्त बिताना चाहता था और कुछ नहीं। मम्मा आज तो संडे है, आज आप मेरी पसंद का पास्ता बना दो प्लीज, रोज तो आप सैंडविच बनाते हो ना। अरे बेटा एक ही तो दिन मिलता है हमें, उसमें भी मैं तुम्हारे लिए पास्ता बनाऊं, आज प्लीज कुछ बाहर से खा लेते हैं। कोई बात नहीं मम्मा, हम तीनों साथ में चलते हैं बाहर खाने। अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर खाने नहीं, घर में मंगवा लेते हैं, घर में बैठ के मूवी भी देखेंगे और खा भी लेंगे। मम्मा प्लीज बाहर चलते हैं ना, हम कब से बाहर नहीं गए, तीनों साथ में आज पार्क चलते हैं। अरे रोहित बेटा एक दिन तो मिलता है ऑफिस से, आज कहीं मत बोलना चलने को, आज बाहर से खाना मंगवा लेते हैं और घर में बैठ के फिल्म देखते हैं। पापा मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगती, कोई कार्टून फिल्म देखे। अरे हमें थोड़ी ना कार्टून फिल्म अच्छी लगेगी, हम तुम्हें मोबाइल में चला के देते हैं, तुम उसमें देख लो, ठीक है? मम्मा मैं आप दोनों के साथ फिल्म देखना चाहता हूँ। आकाश आजकल इसकी डिमांड्स कुछ बढ़ती जा रही है, कभी ये कभी वो। रोहित हमें एक दिन मिलता है बेटा आराम करने के लिए, उसमें भी तुम ये करो वो करो करने लगते हो, ऐसा नहीं करते मम्मी पापा, ये सब आपके लिए कर रहे हैं ना। हाँ बेटा तुम जो कहते हो हम तुम्हें लेकर देते हैं ना,
तो फिर ये काम भी हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं, समझे? इसलिए मम्मी पापा जो कहते हैं वो करना चाहिए, ठीक है? ठीक है पापा। रोहित वैसे तो काफी समझदार था, लेकिन कभी कभी वो भी जिद पर अड़ जाता था, क्योंकि उसे भी अटेंशन चाहिए थी अपने मम्मी पापा की। लेकिन शायद इस बात को आकाश और दिव्या समझ नहीं पा रहे थे। नहीं नहीं नहीं, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बस। रोहित सुबह सुबह क्यों जिद कर रहे हो बेटा? चलो बेटा जल्दी, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ और शाम को मैं तुम्हें आइसक्रीम भी दिलाऊंगा। चलो चलो जल्दी करो। मुझे कोई आइसक्रीम नहीं चाहिए, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं बस घर में रहूंगा। अरे पर घर में कोई नहीं है, किसके साथ रहोगी तुम अकेले? मम्मा आज आप छुट्टी ले लो, मेरे साथ रहो, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। बेटा मेरे ऑफिस में जरूरी काम है, मुझे जाना होगा, मैं नहीं ले सकती छुट्टी। नहीं मुझे वो सब नहीं पता, आप बस छुट्टी ले लो, मैं कुछ नहीं जानता। बस बहुत हो गया, क्यों इतनी जिद कर रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है कि मम्मी क्या कह रही है? चुपचाप बैग लो, स्कूल चलो, समझे? पापा प्लीज, आज घर पे रहना चाहता हूँ, प्लीज पापा। मैंने कहा ना बैग उठाओ और चलो मेरे साथ, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? देखो जिद मत करो रोहित, पापा गुस्सा हो रहा है ना, हम शाम को आपकी फेवरेट आइसक्रीम खाएंगे, ठीक है? आकाश की डांटने पर रोहित रोता हुआ स्कूल चला गया। वैसे आज उसका बिल्कुल मन नहीं था जाने का, लेकिन आकाश ने उसकी एक नहीं सुनी और ऑफिस जाते वक्त उसे स्कूल छोड़ते हुए चला गया। शाम को आकाश और दिव्या उसे आइसक्रीम दिलवाने लेकर गए, लेकिन रोहित का मन अब उदास हो चुका था। बताओ रोहित, कौन सी आइसक्रीम खाओगे? नहीं मुझे नहीं चाहिए आइसक्रीम। देखो रोहित अब गुस्सा मत करो, चलो जल्दी से बताओ कौन सी आइसक्रीम खाओगे? मुझे नहीं खानी आइसक्रीम। तो और कुछ चाहिए? कोई खिलौना लेकर दो। नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रोहित ऐसे नाराज नहीं होते ना बेटा, बताओ क्या चाहिए, हम तुम्हें वो लेकर देते हैं। हाँ न्यू कार चाहिए ना, या फिर एरोप्लेन? नहीं पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देखा कितना एटीट्यूड है इसमें, बात सुनने को तैयार नहीं है ये लड़का। अरे पता नहीं क्या हो गया इसे, आजकल कोई बात नहीं मानता हमारी, हम भी तो जो कर रहे इसके लिए तो कर रहे हैं ना। देखो अब भी कुछ नहीं बोल रहा ये, छोड़ दो रहने दो कुछ देर, इसे यूं ही खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। आकाश और दिव्या को रोहित की जिद तो दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे की वजह उन्हें अब भी समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे में कुछ दिनों बाद दिव्या की सहेली और उसका पति दिव्या के घर आए। अरे आओ अंजलि, कितने दिनों बाद आना हुआ है आप दोनों का। आइए आइए बैठे बैठे। अरे तुम अपने बेटे कुणाल को नहीं लाए अपने साथ, ट्यूशन गया है क्या? अरे नहीं नहीं ट्यूशन नहीं, हमने उसे हॉस्टल में डाल दिया है। हॉस्टल में? हाँ आकाश जी आप तो जानती ही हैं कि मैं और पंकज दोनों जॉब करते हैं, ऐसे में हम कई बार छुट्टियां करते और कुणाल की पढ़ाई भी अच्छी नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने उसे हॉस्टल में ही डाल दिया। वहाँ ना सब कुछ अच्छे से करवाते हैं, पढ़ाई, उसका खाना, उसे मैनर्स सिखाना, डिसिप्लिन में रखना, सब कुछ। हम महीने में एक बार जाते हैं, उसे मिलकर भी आते हैं। और इससे ना हमें भी परेशानी नहीं है कि वो गलत संगत में तो नहीं है या घर में अकेला है, उसकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है कि नहीं, और हम ना अब अच्छे से अपने करियर पर भी ध्यान दे पा रहे हैं। हाँ और वहाँ ना बहुत कुछ सीखता भी है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है उसकी, और हम भी बिना चिंता के यहाँ अपना काम कर पाते हैं। ये तो बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, हम खुद भी ना इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। हम दोनों तो बहुत कोशिश करते हैं रोहित को सब कुछ देने की, लेकिन वो भी बदतमीज और जिद्दी होता जा रहा है। हाँ आखिर हम ये सब बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं। वही तो, हम ये सब उनके भविष्य के लिए कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ आप दोनों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, ये हॉस्टल हम बहुत अच्छी है, मतलब पढ़ाई, खाना पीना, खेलना, सब कुछ अच्छे से करवाते वहाँ पर। मुझे लगता है आकाश अंजलि ठीक कह रही है, हमें भी रोहित को हॉस्टल में डालना चाहिए, इससे वो पढ़ाई भी अच्छी तरह कर पाएगा और मैनर्स भी सीखेगा। ठीक है सोचते इस बारे में। अंजलि और पंकज की बात सुनकर दिव्या और आकाश को भी इस बात का भूत चढ़ गया कि उन्हें भी रोहित को हॉस्टल में डालना चाहिए। आकाश ने हॉस्टल के बारे में पता लगाना शुरू भी कर दिया था। मैंने काफी पता लगाया इस हॉस्टल के बारे में, काफी अच्छी है और सारी सुविधाएं भी है इसमें, बच्चों को भी काफी अच्छा रखते हैं और ध्यान भी अच्छा रखते हैं बच्चों का। हाँ तो फिर इसकी फीस और फॉर्म मंगवा लो ना, हम रोहित को धीरे धीरे मना लेंगे। हाँ उसे समझाने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, तब तक मैं एडमिशन की तैयारी कर लेता हूँ।
हाँ अभी से उसे कहते आएंगे तभी तो मानेगा वो। अरे क्या मानेगा, क्या बातें हो रही है। अरे माँ तुम कब आई और कैसे अकेले आई हो क्या। अरे पहले अंदर तो आने दे, बताती हूँ सब। सॉरी सॉरी माँ, आओ। आइए आइए माँ जी, आपने बताया भी नहीं हम लेने आ जाते आपको। मैंने सोचा तुम सबको सरप्राइज दे दूंगी इसलिए अकेले ही आ गई। और वैसे भी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई हूँ और इतनी बेचारी भी नहीं कि अकेले नहीं आ सकती। अरे माँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें पता है दिव्या, माँ अपने कॉलेज में टॉपर थी, कई सारे मेडल्स हैं उनके पास। बचपन में मैं उन्हें गले में पहन कर घूमता था। अरे मेरा सबसे बड़ा मेडल तो तू है, और मेरा रोहित वो कहाँ है। वो ट्यूशन गया है, उसके बाद डांस क्लास जाएगा, उसे आने में वक्त लगेगा अभी तो। अरे स्कूल ट्यूशन फिर डांस क्लास, मेरे पोते को तो थका देते हो तुम दोनों। अरे माँ वो हमें थका देता है जब घर में होता है, इसीलिए उसे फ्री नहीं रखते हम। और हम भी तो काम पर होते हैं ना, कौन देखभाल करेगा उसकी। मैं तो कब से कहती हूँ चले आओ जबलपुर, मैं देखभाल कर लूँगी रोहित की, तुम दोनों ही नहीं मानते। अरे माँ जी हमारी जॉब्स इस शहर में है, हम नहीं छोड़ सकते इस शहर को इसलिए। अच्छा माँ ये सब छोड़ो, तुम कुछ दिन यहाँ रुकोगी ना, रोहित को तुम्हारे साथ रखना, खूब खिलाना पिलाना घुमाना और लोरी भी सुनाना जैसे तुम मुझे सुनाती थी। ठीक है चलो ये भी सही है, मुझे भी मौका मिल जाएगा इसी बहाने अपने पोते के साथ। हाँ और सबसे ज्यादा खुश तो रोहित होगा आपको देखकर। कावेरी ने सरप्राइज देकर सबको खुश तो कर दिया था, लेकिन सबसे ज्यादा खुश रोहित था। जैसे ही उसने कावेरी को देखा उसके आसपास ही रहना चाहता था। चलो रोहित मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देती हूँ। मम्मा ने आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं आज दादी के साथ रहूंगा। फिर से जिद। अरे आज एक दिन उसे नहीं भेजते हैं स्कूल, मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ यहाँ, हम दोनों आज बहुत मजे करेंगे। ठीक है आप है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है माँ जी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं रोहित का अच्छे से ध्यान रखूंगी, तू चिंता मत करना। रोहित जो प्यार और वक्त मिस करता था वो उसी कावेरी के साथ मिला, इसलिए आज वो बहुत खुश था। दादी आप प्लीज यहीं रह जाओ ना मेरे पास। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ तेरे मम्मी पापा को कि वहाँ आ जाओ अपने घर, वो मानते ही नहीं। मुझे यहाँ बहुत अकेला अकेला लगता है दादी, मम्मी पापा के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। अरे बेटा मम्मी पापा जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं ना, आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं। मुझे नए खिलौने नए कपड़े आइसक्रीम ये सब नहीं चाहिए दादी, मम्मी पापा बस मेरे साथ रहे और खेले, मुझे प्यार करे, बस इतना ही चाहिए मुझे दादी। मैं समझती हूँ रोहित बेटा, लेकिन मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो सब इसलिए करते हैं ताकि वो तुम्हें दुनिया की हर खुशी दे सके बेटा। मैं बस उनके साथ रहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ठीक है चलो अब ये सब बातें छोड़ो, चलो मैं तुम्हें लोरी सुनाती हूँ। ठीक है दादी। रोहित की बात सुनकर कावेरी को दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन वो भी समझ सकती थी कि दिव्या और आकाश जो भी कर रहे हैं वो रोहित के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए उसने सोचा कि वो उन दोनों से बात करेगी। मैंने सारे फॉर्म भर दिए, अगले हफ्ते से रोहित को हॉस्टल में एडमिशन मिल जाएगी। हॉस्टल में? हाँ माँ जी हमने रोहित को हॉस्टल में डालने का फैसला किया है, यहाँ उसकी परवरिश सही से नहीं हो पाती ना इसलिए। मैं यहाँ आई थी तुम दोनों से बात करने, ये कहने कि तुम्हें रोहित को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, तुम दोनों को पता भी है कि वो तुम दोनों को कितना मिस करता है, कितना अकेला महसूस करता है वो। माँ लेकिन तुम भी तो जानती हो ना हम ये सब रोहित के लिए ही तो कर रहे हैं। अच्छा तुमने रोहित से पूछा कि उसे क्या चाहिए? उसे बस तुम दोनों का थोड़ा सा प्यार और वक्त चाहिए आकाश। और उसे ही क्यों, तुम खुद भी तो ऐसे ही थे। मैं मतलब जब तुम छोटे थे तब मैं हाफ डे जॉब करती थी, लेकिन एक दिन तुम बीमार हुए और तुमने कहा कि तुम मेरे पास ही रहना चाहते हो, तुम मुझे खुद से दूर नहीं जाने देते थे, मुझे क्या अपने पापा को भी नहीं जाने देते थे। हम दोनों ने देखा कि तुम गुमसुम रहने लगे हो, इसलिए तुम्हारे पापा और मैंने डिसाइड किया कि वो प्रमोशन नहीं लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तुम्हारे साथ बिताएंगे, और मैंने भी जॉब छोड़ दी। अगर मैंने उस वक्त तुम्हें हॉस्टल में डाला होता तो क्या तुम आज इतने हैप्पी होते।
मैं ये नहीं कहती कि तुम भी अपनी जॉब छोड़ दो, लेकिन रोहित को हॉस्टल में डालना, उसे वक्त ना देना, ये सब उसके मासूम मन को उदास कर रहा है, जिसका असर उसके मन पर हमेशा ही रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि बड़े होकर तुम दोनों उससे बात करना चाहो और तुमसे काफी दूर चला गया हो। कावेरी की बातें सुनकर आकाश और दिव्या को रियलाइज हुआ कि वो क्या करने जा रहे थे। उन्होंने अपनी गलती को वक्त रहते सुधार लिया। दादी, मैं मम्मा के साथ पार्क जा रहा हूँ, अब मम्मा हाफ डे ही जॉब पर जाती है, और जब मम्मा नहीं होती तो पापा मेरे साथ खेलते हैं और मुझे होमवर्क भी करवाते हैं। अरे वाह, ये हुई ना बात।